एक बल्लेबाज अपनी टीम के लिए अगर रन जोड़ता है तो वहीं गेंदबाज अपनी टीम के लिए विरोधी टीम से रन बचाने की कोशिश करता है और फील्डिंग में पूरी टीम मिलकर रनों को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अगर फील्डिंग और गेंदबाजी ही कमजोर हो तो मैच हाथ से निकलने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ होने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय टीम के बल्लेबाज तो अच्छे रन बना रहे हैं, लेकिन गेंदबाज फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कप्तान कोहली की चिंता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से गेंदबाज रन लुटा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सीरीज भी टीम इंडिया के हाथ से निकल सकती है, जो विराट कोहली के साथ साथ टीम इंडिया के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। अगर ये सीरीज भी हाथ से निकल गई तो कप्तान कोहली को फैंस के साथ साथ ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कप्तान कोहली अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजों को और भी जमकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि वो अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। और भारतीय टीम को फील्डिंग भी मजबूत करनी होगी, ताकि विरोधी टीम को कम से कम रन बनाने का मौका मिले। अगर फील्डिंग और गेंदबाजी में भारतीय टीम बेहतर हो जाती है तो ये सीरीज भारतीय टीम के नाम हो सकती है।